हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में ओनली 25 क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे, और जिन बच्चों का आज एंट्रेंस है उनको गुड लक। जितने आपने कर रखे हैं आज के दिन, अगर आपका एंट्रेंस है तो आप मत पढ़ना, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, अच्छे से हो जाएगा आपका एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक। अब देखिए, हम 26 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई, तो आयनिक रेडियाई का ऑर्डर मैंने आपको ऑफ ब्लॉक में एक्सप्लेन किया हुआ है सारे एफ ब्लॉक का। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो आपको ये ऑर्डर इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि हम एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक दो क्वेश्चन ही हो पाएंगे अपने वीडियोज़ में। तो जो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी करवा रखे हैं उसको हम रिपीट नहीं कर रहे अभी, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। सेकेंड, अब देखो 27 क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि AgCl इज सोल्यूबल इन अमोनिया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब AgCl की जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कॉम्प्लेक्स बनता है आपका AgNH3CL, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 देखो, हाइड्रोजन डायरेक्टली कंबाइन विद, डिफरेंट टाइप की दे रखी है, जैसे कॉपर दे रखा है आपका, निकल दे रखा है, गोल्ड दे रखा है, तो इसमें हाइड्रोजन है किसके साथ कंबाइन ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, कैल्शियम के साथ में, ठीक है। ये 3D के देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, विच इज़ यूज इन द फिलिंग कैविटी इन टीथ। आपने देखा होगा जो टीथ है हम बोलते हैं जैसे, वैसे तो कैल्शियम के आपके बोन्स में होते हैं, तो इसमें पूछ रखा है कि फिलिंग कैविटी टीथ में किस की जाती है। डिफरेंट दे रखे हैं, कॉपर मर्करी की होती है, AgHg की, तो इसका आंसर आपका बी होता है। 30 क्वेश्चन क्या बोल रखा है, मैग्नीशियम इज प्रिपेयर्ड इन द फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल बिकॉज, मैग्नीशियम आपको पता है क्लोरोफिल, तो उसका रीज़न क्या है, मेन रीज़न उसका क्या है, तो उसके ऑप्शन देखो, इट हैज़ द स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है आपका, इट हैज़ द हैवी मेटल है, वीक स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग है, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि वो वीक स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की वजह से। 31 क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इन सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, तो ये प्रिपरेशन तो आपने कितनी बार देख चुके हो, आप जब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवाते हो तो आपका सॉल्वेंट क्या रहता है, आपका ड्राई ईथर। 32 देखो, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इज दैट ऑफ, अब देखो अल्कोहल दे रखा है, वाटर दे रखा है, HCl दे रखा है, और CCl3COH, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो विद्रोइंग ग्रुप है वो एसिडिक को इंक्रीज कर दें, तो Cl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग है और 3 है, और वैसे भी एसिड है ज़्यादा, आपका मोर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, तो डी ऑप्शन वाले की। 33 वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज नॉट द सेम एज दैट प्रेजेंट इन अदर 3। तीन की तो आपकी सेम मिलेगी, जैसे PCl5 है, I3 नेगेटिव है, SPF4 है, SBCl5 3 नेगेटिव है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो आप आसानी से निकाल सकते हो, और मैंने आपको सिखा भी रखा है, तो इसका आंसर इन तीनों की सेम आएगी, आप निकाल भी लेना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। जैसे 1/2 सल्फर का 6 हो जाएगा, फ्लोरिन 4 है, तो 6+4 10/2 5 आ गया। SP3D इस वाले की भी SP3D आएगी, इसकी भी SP3D आएगी, बट इसकी ये नहीं आएगी। 34 देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, द कॉम्प्टन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्रेस्ड इन, कॉम्प्टन वेवलेंथ को किस में हम एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको बताया कि ये होता है λc/2mh/mc, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। 35 का क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ए और बी टू ऑपरेटर हैं, AB=1, देन ए ऑपरेटर और बी का स्क्वायर, ये क्वांटम में आप डायरेक्ट देखते हो ऑपरेटर को कैसे आप खोलते हो, तो इसका आंसर आप जो खोलोगे A(b-ba) करके तो 2B निकलेगा। 36 क्वेश्चन क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन, तो देखो करेक्ट रिलेशन पूछ रखा है आपका, एंट्रोपी, ये W थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, तो इसमें करेक्ट रिलेशन डायरेक्ट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, S-KLnW होता है आपका। 37 का क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट इन द सिस्टम कंपोस्ट गैस इन इक्विलिब्रियम विद इट सॉल्यूशन इन लिक्विड, सॉल्यूशन इन लिक्विड पूछ रखा है, तो वो नहीं तो 1 होती, 2, 3 कुछ भी नहीं होती इनमें से, तो ये आपका नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। 38 का क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, 38 है कि पॉली डिस्पर्सी इंडेक्स ऑफ ए पॉलीमर, ये पॉलीमर चैप्टर आप देखोगे ना तो एक पेज पे ही आपके फॉर्मूले होंगे सारे, उनसे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, पॉलीमेरिक जो इंडेक्स होता है ना वो इसका रेशियो होता है आपका MN/MW का, ये सारा कुछ हमने चिट